नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च दिन शुक्रवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 30 और 31 मार्च को डीएलएड की परीक्षा रद्द। बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर चलेगा स्पेशल अभियान। 31 मार्च से पहले इन जरूरी कामों को करना जरूरी। गुड फ्राइडे के अवसर पर यीशु मसीह को सीएम नीतीश ने किया नमन। लोकसभा चुनाव के दौरान लू से बचने के लिए आयोग ने एडवाइजरी की जारी। आरबीआई ने अप्रैल का बैंक हॉलीडे लिस्ट किया जारी। आईपीएल 2024 में आज आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती। डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती का नोटिफिकेशन कोलकाता पुलिस द्वारा जारी किया गया है। उम्मीदवारों की इन पदों पर भर्ती संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल 2024 है। इस भर्ती के तहत 225 पद भरे जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को www.kolkatapolice.gov.in पर जाना होगा। भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 16,000 रुपए वेतन के रूप में दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिक सूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देख लें। बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर चलेगा स्पेशल अभियान। बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर विशेष अभियान चलेगा। विभागीय स्तर से इसे संबंधित आदेश जारी किया गया है। सभी जिला पदाधिकारियों को इसमें खास तौर पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। साथ ही अवैध खनन से जुड़े हुए तमाम संवेदनशील स्थानों को चयन करने के लिए कहा गया है। साथ ही कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं 276 बालू घाटों की नीलामी नहीं होने पर इसका सीमांकन तय करने का आदेश दिया गया है। इन बालू घाटों की लंबाई और चौड़ाई का सही तरीके से आकलन पूरे करने का आदेश है। इसका मकसद है किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं हो। गुड फ्राइडे के अवसर पर यीशु मसीह को सीएम नीतीश ने किया नमन। आज गुड फ्राइडे है। इस अवसर पर यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए सीएम नीतीश ने उन्हें नमन किया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन और बलिदान के माध्यम से संपूर्ण मानवता को प्रेम, दया और करुणा के भाव का संदेश दिया था। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। उनके बताए हुए मार्गों के अनुसरण से समस्त मानव समाज का कल्याण मार्ग प्रशस्त हो सकता है। होली के दिन शिक्षकों की छुट्टी रद्द करने के आदेश का शिक्षा मंत्री ने किया समर्थन। होली के दिन शिक्षकों की छुट्टी रद्द करने के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का बिहार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि होली के दिन शिक्षकों की छुट्टी रद्द करना किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन नहीं है। सरकार शिक्षकों का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कराती है और इस दौरान पुलिस महकमे में भी ट्रेनिंग हो रही थी। शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी थी कि बीपार्ट में भी ट्रेनिंग हो रही थी। इसके अलावे एससीईआरटी में भी ट्रेनिंग हो रही थी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि शिक्षा की बेहतरी सभी की जिम्मेदारी है। शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में 30 और 31 मार्च को डीएलएड की परीक्षा रद्द। बिहार में 30 और 31 मार्च को डीएलएड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सत्र 2024-26 के लिए डीएलएड में दाखिले के लिए 30 और 31 मार्च को होने वाला एग्जाम स्थगित हो चुका है। बिहार बोर्ड ने इससे संबंधित जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि अपरिहार्य कारणों से एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है, जबकि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होने वाला एग्जाम पहले के निर्धारित समय के आधार पर ही होगा। मालूम हो कि डीएलएड की परीक्षा के लिए 6,81,982 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। 31 मार्च से पहले इन जरूरी कामों को करना जरूरी। साल 2023-24 जल्द ही खत्म होने वाला है। इस वित्तीय साल का आखिरी महीना चल रहा है। ऐसे में कई कामों को 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना जरूरी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की ओर से फास्टैग यूजर्स के लिए KYC करने की डेडलाइन 31 मार्च निर्धारित की गई है। किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए आपको 31 मार्च से पहले फास्टैग KYC, TDS फाइलिंग सर्टिफिकेट और जैसे जरूरी कामों को पूरा कर लेना जरूरी होगा। 31 मार्च तक फास्टैग की KYC को अपडेट नहीं करने पर आपका फास्टैग बंद कर दिया जाएगा। 31 मार्च तक इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख है। SBI के होम लोन की ब्याज दरों में छूट हासिल करने की डेडलाइन 31 मार्च ही है। सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम में 31 मार्च तक पैसा जमा नहीं करने पर अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है।
RBI ने अप्रैल का बैंक हॉलीडे लिस्ट किया जारी। मार्च का महीना खत्म होने में अब 2 ही दिन बाकी है, इसके बाद अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा। RBI ने अप्रैल का बैंक हॉलीडे लिस्ट जारी कर दिया है। बैंक जाने से पहले सभी को ये लिस्ट जरूर देख लेना चाहिए। साथ ही हर किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बैंक कब खुले हैं और कब खुले नहीं है। बिहार में 1 अप्रैल को अकाउंट क्लोजिंग के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी है, रामनवमी के दिन पटना में बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों के अलावा 7 अप्रैल को रविवार के लिए, 13 अप्रैल को दूसरे शनिवार के कारण, 14 अप्रैल को रविवार, 21 अप्रैल को रविवार, 27 अप्रैल को चौथा शनिवार और 28 अप्रैल को रविवार के कारण देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि आप अपने बैंक संबंधी कार्यों की योजना छुट्टियों के अनुसार ही बनाएं। इस तरह से कुल मिलाकर बिहार में 8 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। राजभवन से अनुमति मिलने के बाद भी शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं पहुंचे VC। राजभवन से अनुमति मिलने के बाद भी शिक्षा विभाग की बैठक में बिहार के विश्वविद्यालयों के VC नहीं पहुंचे। शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित बैठक में किसी भी यूनिवर्सिटी के VC नहीं पहुंचे, इस कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया। खास बात ये रही कि राजभवन की ओर से शिक्षा विभाग की बैठक में जाने की अनुमति दे दी गई थी, इसके बाद भी यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के VC और अन्य पदाधिकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक से नाराज हैं, इस कारण ही उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। चुनाव आयोग ने चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मियों को भत्ता किया तय। चुनाव आयोग ने चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मियों का भत्ता तय कर दिया है। मालूम हो कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग और वित्त विभाग की ओर से कर्मियों का भत्ता तय हुआ है। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का निर्धारण किया गया है। चुनावी ड्यूटी करने वाले पीठासीन पदाधिकारी को 3 दिनों के लिए प्रशिक्षण के लिए 700 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि मतदान पदाधिकारी को 500 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे, जबकि सहायक निरीक्षक हवलदार के लिए 500 रुपये प्रतिदिन तय किए गए हैं। पर्दानसी महिलाओं की पहचान के लिए प्रतिनियुक्ति कर्मियों को 350 रुपये दिए जाएंगे। बिहार में निबंधित और योग्य फार्मासिस्ट मामले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। बिहार में निबंधित और योग्य फार्मासिस्ट मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए उन्हें 17 अप्रैल तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने मुकेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जानकारी दी है कि बिहार में 10,000 अस्पताल हैं, वहीं निबंधित फार्मासिस्टों की संख्या 600 से कुछ अधिक है। फार्मेसी एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है और फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत फार्मेसी से संबंधित अलग अलग प्रकार को काम के लिए अलग अलग पद सृजन होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान लू से बचने के लिए आयोग ने एडवाइजरी की जारी। लोकसभा चुनाव के दौरान लू से बचने के लिए चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। निर्वाचन से जुड़े हुए विभाग को मतदान स्थल पर जरूरी सुविधाओं का प्रबंध रखने के लिए कहा गया है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, ORS का घोल, हल्के सूती वस्त्र पहनने की सलाह दी गई है। इसके अलावा छतरी और टोपी के साथ मतदान केंद्रों पर जाने की सलाह दी गई है। मतदान केंद्रों पर बच्चों को नहीं लाने और रुके हुए वाहनों में बच्चों और पालतू जानवरों को नहीं छोड़ने की सलाह दी गई है। लू लगने पर व्यक्ति को भींगे हुए कपड़े पर लिटाने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों के लिए पर्याप्त संख्या में टेबल और कुर्सी की व्यवस्था रखने का कहा गया है। पटना में नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का होगा आयोजन। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले 31 मार्च से 3 मार्च तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन पटना में किया जाएगा। इसकी तैयारी अब अंतिम रूप में है। मैचों के सफल आयोजन के लिए तकनीकी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। बिहार टीम का कई चरणों में कैंप चल रहा है, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी है और वो प्रतियोगिता में जीत हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। चक्रवातीय परिसंचरण के कारण कई जगहों पर छाए रहेंगे बादल। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर पश्चिम बिहार से दक्षिण पूर्व असम तक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिस वजह से बिहार के कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि कल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और या 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। सोनाक्षी सिन्हा से लेकर ईचा चड्ढा तक का हीरा मंडी के इवेंट में दिखा बढ़िया अंदाज।
सोनाक्षी सिन्हा से लेकर ईचा चड्डा तक का हीरा मंडी के एक इवेंट में बढ़िया अंदाज देखने को मिला है। मालूम हो कि वेब सीरीज का पहला लुक और टीजर के सामने आते ही फैंस की उत्सुकता काफी बढ़ चुकी है। कुछ दिनों पहले इसके गाने ने धमाल मचा दिया था। हीरा मंडी के वेब सीरीज में मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा के साथ ईचा चड्डा, आदिति राव हैदरी, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख साथ में अभिनय कर रही है। वही इन सभी का नया लुक सामने आया है। इसके बाद प्रशंसक इस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोनाक्षी से लेकर मनीषा कोइराला इवेंट में काफी खूबसूरत लग रही हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 7 दिनों तक होगा नामांकन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 7 दिनों तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। दूसरे चरण का नामांकन जारी है। इसमें बिहार की 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा। इसमें राज्य का सीमांचल इलाका है। पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार और बांका की लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण की बात करें तो 3 दिनों में 10 नामांकन हुए हैं। औरंगाबाद की लोकसभा सीट पर सबसे अधिक नामांकन हुआ है। इस सीट पर 6 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं गया में 3 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। बताया जाता है कि पहले चरण के चुनाव के लिए एनडीए और राजद के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को AIMIM का मिला समर्थन। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को AIMIM का समर्थन मिला है। दरअसल AIMIM ने ऐलान किया है कि अगर हिना सिवान सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो उनकी पार्टी उनका समर्थन करेगी। मालूम हो कि AIMIM ने बिहार में 11 प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसकी औपचारिक घोषणा की है। उन्होंने जानकारी दी कि हमारी पार्टी पहले 11 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन जनता के आग्रह पर हमने 5 सीटों को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा मधुबनी की सीट पर भी हम विचार कर रहे हैं। फिलहाल AIMIM की ओर से जानकारी दी गई है कि काराकाट, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, वाल्मीकि नगर की लोकसभा सीट से भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। इसे लेकर आज औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार राजद के कार्यालय में सीटों के बंटवारे की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 9 सीट देने की सहमति बन गई है। इसमें कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर की सीट है। साथ ही सुपौल और मधेपुरा में से कोई एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। चिराग पासवान की पार्टी से पूर्व सांसद अरुण कुमार ने दिया इस्तीफा। चिराग पासवान की पार्टी से पूर्व सांसद अरुण कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जाता है कि वो जहानाबाद की लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर नाराज चल रहे थे। वहीं अब चर्चा हो रही कि अब इस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी LJPR का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने कहा है कि वो जहानाबाद से चुनाव लड़ने का फैसला अपने समर्थकों के साथ मिलकर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता देख रही है कि उनके साथ क्या हुआ है। चिराग पासवान के कहने पर हमने अपनी पार्टी का विलय कर लिया था। हम जनता की ताकतों के 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, इस कारण हमने इस्तीफा दिया है। भाजपा के प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने नवादा से किया नामांकन दाखिल। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा के प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने नवादा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि विकसित भारत के साथ साथ नवादा के विकास की नींव आज रख दी गई है। भाजपा के प्रत्याशी ने कहा है कि नवादा को विकसित करने के साथ ही भारत के साथ जोड़ना उनका पहला लक्ष्य है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार की 40 की 40 सीट पर NDA की जीत होगी। ये चुनाव विवेक ठाकुर और गिरिराज सिंह नहीं लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट मांग रहे हैं। IPL 2024 में आज RCB और KKR के बीच मुकाबला। IPL 2024 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होने जा रहा है। RCB ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया था। दूसरी ओर KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रनों से हरा दिया था। इसके बाद RCB और KKR के बीच होने वाला मुकाबला काफी खास होने वाला है। बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाला मुकाबला काफी अहम होने वाला है। कहते हैं कि यहाँ के मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी होती है। यहाँ का मुकाबला हाई स्कोरिंग हो सकता है। आपके अनुसार IPL 2024 में RCB और KKR के बीच होने वाले आज के मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है और किस खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद है? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1849 में महाराज दिलीप सिंह ने अपने दिवंगत पिता रंजीत सिंह का सिंहासन छोड़ दिया और पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। आज के दिन वर्ष 1857 में कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। आज ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में ये पहला विद्रोह था जिसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। आज के दिन वर्ष 1929 में भारतीय फिल्म अभिनेता उत्पल दत्त का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1982 में तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामा राव द्वारा स्थापित की गई थी। आज के दिन वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत के भारतीय नेताओं ने भाग लिया था। बरहत के साथ शेयर बाजार बंद, अब इतने दिनों के बाद बाजार खुलेगा। बीते दिन बरहत के साथ शेयर बाजार बंद हुआ है। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन शेयर बाजार में बरहत देखने को मिली है। शेयर बाजार में उछाल देखा गया है। बीएसई पर शेयर सेंसेक्स 639 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ 73,635.48 पर बंद हुआ है। वहीं एनएसई पर निफ्टी 0.99% की बढ़त के साथ 22,343 पर बंद हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी 1.53% बढ़कर 22,461.95 पर कारोबार कर रहा था। आपको बता दें कि निफ्टी 50 में शामिल 48 शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। वहीं सिर्फ 2 शेयर बाजार लाल निशान पर थे। शेयर बाजार अब 3 दिनों के बाद खुलेगा। एक्स यूजर के लिए एलन मस्क का बड़ा ऐलान। एक बार फिर से एलन मस्क ने एक्स को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल एक्स यूजर्स को उन्होंने बड़ी खुशखबरी दी है और कहा है कि जिन भी यूजर्स के पास 2500 वेरीफाइड सब्सक्राइबर फॉलोवर हैं, उन्हें अब मुफ्त में प्रीमियम सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं 5000 से अधिक वेरीफाइड सब्सक्राइब फॉलोवर्स वालों को लेकर कहा गया है कि इन्हें मुफ्त में प्रीमियम प्लस सुविधाएं दी जाएंगी। 4 साल के स्नातक कोर्स में छात्रों को अब दिया जाएगा अंक पत्र। 4 साल के स्नातक कोर्स में छात्रों को अब अंक पत्र दिया जाएगा। मालूम हो कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का संचालन सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर हो रहा है। ऐसे में शैक्षणिक सत्र 2023-27 के लिए पिछले साल ही पहली बार CBCS यानी च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया था। वहीं अब प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है। मालूम हो कि UGC के नियमों के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू हुआ है। पहले सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके छात्र और छात्राओं को अगले महीने तक नए स्वरूप में अंक पत्र दिए जाएंगे। अंक पत्र के नए फॉर्मेट को परीक्षा बोर्ड की ओर से मंजूरी प्रदान की गई है। बिहार के चुनावी मैदान में बसपा ने रखा कदम। जमुई समेत 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बिहार के चुनावी मैदान में मायावती की पार्टी बसपा ने कदम रख दिया है। साथ ही जमुई समेत 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। बसपा ने पहले चरण में जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया से अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी किया गया है। बसपा ने औरंगाबाद से सुनेश कुमार, गया से सुषमा कुमारी, नवादा से रंजीत कुमार और जमुई से सकल देव को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो की ओर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। बसपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है अदानी ग्रीन, ऑप्शन बी है GRID इंडिया, ऑप्शन सी है रिलायंस, ऑप्शन डी है NTPC। इसका सही उत्तर है GRID इंडिया। हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 कहां संपन्न हुई है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? ऑप्शन ए है नरसिंह देव का, ऑप्शन बी है हरि सिंह देव का, ऑप्शन सी है राम सिंह देव का, ऑप्शन डी है महेश सिंह देव का। इसका सही उत्तर है नरसिंह देव का।
जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? ऑप्शन ए है जनवरी 1946 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1946 में, ऑप्शन सी है मार्च 1946 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 1946 में। इसका सही उत्तर है अप्रैल 1946 में। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, सुरेश राम, अतीक खान, मोहम्मद शाकिर हुसैन, पवन सिंह, पीयूष कुमार, रूबी कुमारी, विजेंद्र सिंह, सजीव कुमार, अनवर करीम खान, सुजीत राकेश मिश्रा, कुमारी संजना, सूर्य सिंह, ओमकार सिंह, रंजीत ठाकुर, सुजीत गोप रॉय, किशोर रॉय, नंद कुमार सिंह, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार AIMIM के बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने से महागठबंधन और NDA पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।